Hey guys, welcome back to my channel. I am Aditi Shukla. कैसे हो आप सब? So, आप लोग ये पैकेट देख के समझ ही गए होंगे कि आज ही मेरा पूरा वीडियो किस चीज पे है. तो अगेन मैं मिंत्रा हॉल लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज मैंने जो पिछला वीडियो डाला था मिंत्रा हॉल पे वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया. तो एंड बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि मैं और कपड़े दिखाऊँ आप लोगों को ऑल. तो फाइनली मैं ये पैकेट्स लेके आई हूँ एंड मैं थक गई हूँ एक्चुअली इसको पैर पे रखे रखे. तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं. सो सबसे पहले मेरा ये टॉप ही है. एक्चुअली मैंने ये वाला टॉप ओपन करके पहन लिया कि थोड़ी मेरी मेहनत कम लगे. मतलब पिछली बार का मुझे अच्छे से याद है कि मैं एकदम क्या कहते हैं त्रस्त हो गई थी कपड़े चेंज कर करके. तो मैंने सोचा मैं पहले ही वाला पहन लेती हूँ. तो ये देखिए आप, एकदम लाइट सा लेवेंडर कलर है एंड मैं एक्चुअली इसे तो काफ़ी देर से पहनी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा फिटिंग एंड फैब्रिक एवरीथिंग. एंड ये देखिए आप, बैक से इसका कुछ ऐसा है. सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. तो ये मेरी तरफ से ओके है. बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. बाकी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा इसका प्राइस एंड ऑल, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग जो मैंने पहले से पहन ली है वो है मेरे सैंडल्स. मैं सैंडल्स उतार के आपको दिखाती हूँ, इतनी तो मेहनत कर सकती हूँ, इतनी भी मैं कामचोर नहीं हूँ. सो ये मेरी सैंडल्स हैं जो कि ड्रेस वेरी की हैं एंड इनका हील्स का शेप देखिए कितना ज़्यादा प्यारा, एकदम अलग सा यूनिक सा ट्राइंगल शेप में. तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था तो इसलिए मैंने ले लिया. अब मैं पहन लेती हूँ जिससे कि मैं थोड़ी सी लंबी हो जाऊँ. और सो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, बाकी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप चेकआउट कर सकते हैं. सो चलिए अब मैं पैकेट्स ओपन करना. एंड पिछले वाले वीडियो से इस वीडियो में थोड़ा सा मेरे लिए ज़्यादा ट्विस्ट है कह लो, क्योंकि पिछली बार मैंने और सारे पैकेट्स ओपन कर रखे थे तो मुझे पता था किस कौन से कपड़े हैं कैसे. बट अब जो मैं पैकेट्स ओपन करूँगी ये मेरे लिए एकदम सरप्राइज होने वाला है, मुझे खुद नहीं पता कि इस पैकेट में क्या है. सो चलिए मैं आप लोगों के सामने ही ओपन करती हूँ, फिर इसको देखती हूँ इसमें क्या है और मैं आपको पहन के दिखाती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. कुलदा शिमशेम, क्या निकला क्या निकला. ओह माय गॉड, कलर तो बहुत प्यारा लग रहा है. क्या है ये, नहीं याद है, मुझे खुद नहीं याद है कि इसमें क्या है. कोई नहीं, लेट्स चेक आउट. ओह फैब्रिक तो बहुत प्यारा लग रहा है, आई मीन फील. सो आई थिंक ये जम्प सूट है. दिस इज नॉट अ ड्रेस, ये जम्प सूट है जिसे प्ले सूट भी कहते हैं. सो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश एंड ऑल लग रहा है. तो मैं इसे आपको फटाक से पहन के दिखाती हूँ. सो ये मैंने पहन ली है एंड भाई साहब इतना टाइम लगा मुझे इस ड्रेस को पहनने में, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा अगर मेरी लैंग्वेज में कहें तो अटपटी टाइप की है. इतना मुश्किल लगा एक्चुअली. ये ना पूरा जम्प सूट है, लाइक दिस इज नॉट अ ड्रेस वन पीस, है वन पीस ही बट जम्प सूट आप समझ रहे, प्ले सूट की नीचे शॉर्ट्स टाइप का है. तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रैप पर, मतलब ड्रेस अच्छी है काफी, फैब्रिक इज टू गुड एंड इस रेंज के हिसाब से कपड़ा मटेरियल सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है. बट मेरे लिए नहीं अच्छी है क्योंकि मैं सोच रही हूँ इसे मैं कहाँ पहन के चली जाऊंगी, अभी तो मेरी कोई गोवा की ट्रिप भी नहीं बन रही है. तो बाकी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा. बाकी दिस इज नॉट ओके फॉर मी. अगर मैं ड्रेस की बात करूं ओवरऑल तो ड्रेस इज टू गुड, मटेरियल डिजाइन एंड ऑल, बट मेरे लिए नहीं सही है. तो देखती हूँ मैं फिर इसका, बाकी आप ये बैग से देख सकते हो. सो अब हम नेक्स्ट पैकेट खोलेंगे, बहुत भारी है, मैं बाद में खोलूंगी क्योंकि मैं अब जा रही हूँ. ये भी बहुत भारी है, दूसरा खोल, हाँ ये हल्का है. सो चलिए अभी हम नेक्स्ट पैकेट ओपन करते हैं. इसमें कौन सा फुंतरू कपड़ा, अगर कपिल की लैंग्वेज में कहें तो दिस इज टोटली फुंतरू, यू नो. अब इसे पहनने में मुझे एक्चुअली मेहनत कम लगेगी, ये अच्छी चीज़ है. वॉच मी, सब फेंकते जाओ बाद में सफाई होगी. यस आई लाइक इट. सो ये है ड्रेस, तो मैं आप लोगों को इसको पहन के दिखाती हूँ. सो मैंने ये ड्रेस पहन ली है एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बिकॉज आप फिटिंग देख ही रहे होंगे,
काफी अच्छी फिटिंग आई है एंड फैब्रिक इज टू गुड, गर्मियों के हिसाब से तो बेस्ट है। बाकी लेंथ भी इसकी ठीक है एंड मुझे बहुत अच्छी लगी, आप बैक से देख सकते हैं, तो आप बैक से भी देख सकते हैं काफी अच्छा है एंड आई रियली लाइक इट। तो ये मेरी तरफ से ओके है, बाकी मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो एंड बाकी आपको स्क्रीन पे डिटेल शो हो रही होगी एंड आई रियली लाइक दिस ड्रेस। अब हम अपना नेक्स्ट पैकेट ओपन करते हैं, जो सबसे हल्का होगा मैं वही खोलूंगी। हाँ ये सबसे हल्का है, थोड़ी मैं सोच रही हूँ शुरू में कम मेहनत करनी पड़े, फिर मैंने पिछली बार की तरह गलती की हेयर स्टाइल बना के आ गई हूँ, इतना मेहनत लग रहा है। क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, आप देखते रहिए, अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो क्या है एक्चुअली, मुझे खुद नहीं पता क्या है, तो इसे खोल के पता चलेगा कि ये क्या है। दिस इज अ स्कर्ट, चलिए स्कर्ट निकल तो आई है बट ये स्कर्ट मैं अभी नहीं पहन रही हूँ क्योंकि फिर मुझे नीचे ऊपर मतलब कुछ डालना पड़ेगा, तो मैं इसको आपको लास्ट में पहन के दिखाती हूँ किसी टॉप के ऊपर। सो उसके बाद हम दूसरा पैकेट ओपन कर लेते हैं। व्हाट इज दिस, कलर बड़ा अच्छा लग रहा है। ये भी एक जंप सूट ही है, प्ले सूट टाइप, जैसे मैंने पहला पहना था उसी टाइप में है बट थोड़ा सा डिजाइन एंड फैब्रिक चेंज है, तो ये मैं आपको पहन के दिखाती हूँ फटाफट से। मैंने ये भी ड्रेस पहन ली है एंड अगर पहले मैं ड्रेस की बात करूँ तो ड्रेस अच्छी है, मटेरियल काफी अच्छा है इसका एंड बहुत फुंतरू टाइप की नहीं लग रही है, बट ये मेरे टाइट है इसलिए मैं आपको बैक से नहीं दिखा सकती हूँ। बैक में इसमें जिप दे रखा है एंड वो बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है। सो फ्रंट से आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने ऐसे नेट का पैटर्न दे रखा है जो काफी अच्छा लग रहा है, ये देखिए आप लोग, एंड कलर भी काफी अच्छा है, एकदम अच्छा वाला प्रॉपर पिंक है। सो आई लाइक द ड्रेस बट मुझे इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ साइज, बाकी आप ओवरऑल देख सकते हैं मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी एंड मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, बाकी आपको स्क्रीन पे बाकी डिटेल्स शो हो रही होंगी। तो चलिए हम फटाफट से नेक्स्ट पैकेट ओपन करते हैं, अभी क्या सारे पैकेट भारी ही हैं, तो पहले चलिए ये ओपन करते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है ये किसी चीज़ का हॉल बनाना। ये क्या है, आई डोंट नो क्या है एंड ये लेवेंडर कलर ना, मतलब मुझे इस कलर का आजकल क्रेज चढ़ गया, जिसको कहते हैं ना नशा हो जाना, तो आजकल मैं नेल पेंट सैंडल सब इसी कलर का मंगा रही हूँ। सो ये है एक कॉर्ड्स का सेट जिसके नीचे इन्होंने फुल ट्राउजर टाइप का दिया है एंड ये क्रॉप टॉप है, तो मैं आपको ये फटाफट से पहन के दिखाती हूँ। सो मैंने इसे भी पहन लिया है एंड फिटिंग वगैरह तो काफ़ी अच्छी लग रही है, नीचे का तो एकदम फिट अच्छा है बट ये ऊपर का लिटिल बिट मुझे टाइट लग रहा है एंड अगर मैं इसके फैब्रिक की बात करूँ तो नॉट टू गुड नॉट टू बैड, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फैब्रिक नहीं है बट इतना बुरा भी नहीं है, ये है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा नहीं पहन सकते हो। और ये बैक से आप देखिए इसकी फिटिंग वैसे सही है एंड इसमें इन्होंने दो पॉकेट्स भी दे रखे हैं जिससे आप आराम से अपने हाथ हाथ ऐसे रख के चल सकते हो एंड काफी स्मार्ट लुक लग रहा है वैसे। सो मेरी तरफ से ये ओके है, फैब्रिक उतना अच्छा नहीं बट इस प्राइस रेंज में सही है, तो इसका भी मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हो, बाकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी एंड आई रियली लाइक इट। ये हल्का सा टाइट लग रहा है, देखती हूँ अगर इसका साइज वाइज इशू हुआ तो, बट अभी के लिए मेरी तरफ से ओके है। सो अब हम फटाफट से नेक्स्ट, फटाफट से याद आया कि पहले मैं एक्चुअली मैं लास्ट में ही सॉरी, तो अब हम ये ओपन करते हैं, ये भी बहुत भारी भरकम लग रहा है, तो लेट्स सी व्हाट, माय गॉड इसमें तीन ड्रेसेस हैं, ओह माय गॉड, मतलब मुझे इतना मतलब अपने लिए शॉपिंग करो ना तो भाई साहब जो मज़े आते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, आप लोगों को भी पता चल जाएगा ड्रेसेस का एंड मेरी शॉपिंग। एक दो तीन, तो सबसे पहले हम ये खोलते हैं,
दिस इज ऑल्सो इन पिंक कलर, बट ये है क्या एक्चुअली मैं ना भूल गई हूँ कि मैंने क्या क्या मंगा डाला है। सही लग रहा है। ओके तो ये वन पीस ड्रेस है, तो मैं आपको फटाफट से ये पहन के दिखाती हूँ, बाकी डिटेल देती हूँ आगे। तो ये भी ड्रेस मैंने पहन ली है, ये है इसका फाइनल लुक। एंड अगर पहले मैं ड्रेस के फैब्रिक पे करती हूँ तो फैब्रिक अच्छा ही नहीं है, यू नो इट्स जस्ट लाइक कुछ टेरिकॉट टाइप का मटेरियल है। एंड फिटिंग देख ही रहे होंगे, देखी पास से आई डोंट लाइक द फिटिंग, बट इस प्राइस रेंज में देखा जाए तो ओके ओके है। ये इसका बैक से है एंड ये इन्होंने एक डोरी दे रखी है अलग से, ये कि आप अपना एडजस्ट करके इसको टाई कर सकते हो, बट इसको मैं एज अ ड्रेस नहीं, ये है कि एज अ नाइटी सोने के लिए यूज कर सकती हूँ अगर मैं रख लूँ। ओवरऑल ठीक लग रही है, बाकी मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं एंड बाकी डिटेल आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो ये इसका फाइनल लुक है, इतनी भी बुरी नहीं लग रही, बट नीचे से तो इसकी फिटिंग एंड लेंथ अच्छी है, बट आप ये फिटिंग देख रहे हो ना, दिस इज नॉट लुकिंग गुड, सो दैट्स व्हाई देखती हूँ मैं इसका क्या करना है। सो ये आपने देख ही लिया, तो अब हम फटाफट से ना दूसरा ड्रेस ट्राई करते हैं। ये मरून कलर का है, ओके ये भी वन पीस में ड्रेस है, काफी सही लग रही है, सिंपल सी, मैं आपको इसे फटाफट से पहन के दिखाती हूँ। सो ये भी ड्रेस मैंने पहन ली है एंड काफी अच्छी लग रही है, मतलब अच्छा फैब्रिक है, थोड़ा मोटा सा एंड ये ऐसे स्ट्रैप पैटर्न में है एंड आई रियली लाइक द फिटिंग एंड ऑल। अगर मैं फैब्रिक की बात करूँ तो वो भी ओके ओके है, अगर आप गर्मियों के हिसाब से जाओ कि आपको कॉटन ही चाहिए एंड प्रॉपर, तो वैसा फैब्रिक नहीं है। तो देखिए गर्ल्स को तो थोड़ा फैशन में एडजस्ट करना पड़ता है एंड मेरे लिए मेरा फैशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू माई कम्फर्ट, मतलब क्लोथ्स में। तो आप ये देखिए इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, फिटिंग अच्छी आ रही है एंड ये इसका बैक से लुक है, काफ़ी अच्छा लग रहा, प्रिटी सा एकदम सिंपल शोवर सी ड्रेस है एंड कलर भी काफ़ी अच्छा है, मरून है। बाकी मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो, बाकी डिटेल आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। सो मेरी तरफ से ये ओके है। तो चलिए कलर इज माय फेवरेट, तो आई थिंक ये कॉर्ड्स है ये भी, तो लेट्स ट्राई दिस, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो ये कॉर्ड्स का सेट है, मैं फटाफट से आपको पहन के दिखाती हूँ। तो मैंने ये भी ड्रेस ट्राई कर ली है एंड गिव मी अ मिनट, पसीना देख रहे मेरे, मैं इतना थक गई हूँ बाय गॉड ऑफ ये ट्राई ऑन वाला हॉल, बट मैं फिर से करूँगी अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो। सो ये कॉर्ड्स का सेट है जिसमें एक पेंसिल शेप की स्कर्ट है एंड ये क्रॉप टॉप है और मुझे फिटिंग तो बहुत, फैब्रिक भी अच्छा है इसका, पहले मैं अगर फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक इज नॉट टू गुड बट अच्छा है, मतलब गुड है, नॉट टू गुड तो। एंड कलर तो मेरा फेवरेट है टील ब्लू एंड मेरे देखिए सोफे से मैच भी हो रहा है, बट एक दिक्कत ये है कि इसका टॉप का तो फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरे आ गया, लेकिन ये स्कर्ट ना बैक से मैं आपको दिखाती हूँ, ये हल्की सी यहाँ से जिप लगी ही नहीं एक्चुअली, तो इस वजह से मैं अगर साइज एक्सचेंज अगर अवेलेबल होगा तो मैं डेफिनेटली इसे एक्सचेंज करके रखूँगी बिकॉज आई रियली लाइक इट। या फिर कह लो कि इस ड्रेस में मैं ना थोड़ी मोटी हूँ, इस ड्रेस के हिसाब से थोड़ी मोटी हूँ, ओके इतना भी नहीं आप लोग कि मैं मोटी ही हूँ, तो अगर जो मुझसे पतला है वो ये ड्रेस ज़रूर ले बिकॉज इसकी फिटिंग एंड ऑल फील बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अमेजिंग। बाकी मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, बाकी डिटेल आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। तो चलिए दिस इज माई लास्ट पैकेट एंड ये भारी है तो मे भी इसमें दो एक से ज़्यादा ड्रेस होनी चाहिए, तो लेट्स ओपन। ओके Yes, एक से ज्यादा ड्रेस, मतलब दो दो ड्रेसेस हैं, ये भी ड्रेसी है, तो लेट मी फर्स्ट आई विल ट्राई दिस। भाई पैकेट खोलने में मेहनत करो चेंज करने में, और हर एक ड्रेस में जो ये बटन चेन है ना, मेरे बाल इतने इतने बाल टूट गए हैं, पर कोई नहीं कर लेती हूँ थोड़ी सी मेहनत, आप लोगों का भी भला होगा मेरा भी भला होगा। ओके वाओ, तो चलिए मैं फटाफट इसे पहनती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके डिटेल्स दिखाती हूँ। सो मैंने ये भी ड्रेस पहन ली है एंड ऐसी ड्रेसेस पहन के ना
मुझे तो मन करता है ऐसे बच्चों की तरह गोल गोल करूं। मेरी बेटी है ना आद्या, शी रियली लाइक्स दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस। तो आप लोग देख रहे होंगे ये मैक्सी ड्रेस है, एंड इसका अगर मैं पहले फैब्रिक की बात करती हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा फैब्रिक है, एकदम प्योर कॉटन में है ये ड्रेस, एंड कलर कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा लग रहा है। सो और ये देखिए, ये भी ऐसे स्ट्रक पैटर्न में है, बहुत पतली नहीं है, एंड इसका बैक से कुछ ऐसा लुक आ रहा है, एंड फ्लेयर देखिए काफी ज्यादा दे रखी है। एंड इस प्राइस रेंज में, मतलब मुझे नहीं ये एक्सपेक्टेशन थी कि इस प्राइस रेंज में इतनी अच्छी ड्रेस आएगी। इसको थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा, वो इग्नोर करिए। सो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, बाकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। एंड अगर मेरी तरफ से ये ड्रेस ओके है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो ये मैं रखने वाली हूँ, एंड फिटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंड ऐसी सिंपल सी ना मैक्सी ड्रेसेस सही रहती, कहीं भी जाना हो फटाफट से डालो और निकल लो। तो चलिए, दिस इज माई लास्ट पैकेट, मैं इसे ट्राई करती हूँ, उसके बाद वो स्कर्ट बची है, मैं आपको स्कर्ट भी पहन के दिखाऊंगी। ओ माय गॉड, सीरियसली इसको तो हाथ में लेते ही मुझे इतना अच्छा लगा है, तो मैं इसे पहन के फिर आपको बाकी डिटेल्स दिखाती हूँ। सो मैंने ये भी ड्रेस पहन ली है, एंड सीरियसली गाइस ट्रस्ट मी, मुझे अब तक की सबसे, अगर मैं ड्रेस की बात करूँ तो मुझे ये ड्रेस इतनी प्यारी लगी है, एंड इस प्राइस रेंज में तो स्पेशली, इतनी देखा इसकी फिटिंग इतनी ज़्यादा है, एंड फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये डबल लेयर में दे रखा है, एंड इसकी स्ट्रिप्स नॉट में है, तो आपको ऐसे टाई अप करनी पड़ेगी, एक्चुअली मैं ठीक से भी कर नहीं पाई हूँ। एंड ये देखिए इसका बैक से ऐसा लुक है, एंड बैक में भी इन्होंने इलास्टिक दे रखी है, इस वजह से देखिए फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है, तो इसमें टाइट होने का तो कोई इशू ही नहीं था। एंड ओवरऑल ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। एंड अगर मेरी तरफ से ये ड्रेस 110% ओके है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा इसकी फिटिंग अच्छी लगी, एंड इस प्राइस रेंज में स्पेशली। सो तो ये बची है, ये स्कर्ट मैंने अभी तक ट्राई नहीं की थी, तो मैं आपको फाइनली ये स्कर्ट भी पहन के दिखाती हूँ फटाफट से। सो मैंने फाइनली ये स्कर्ट भी पहन ली है, एंड अगर मैं स्कर्ट की फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक अच्छा है, मतलब अच्छा है, बुरा तो नहीं, मतलब बहुत अच्छा नहीं कहूँगी, बुरा भी नहीं, अच्छा है, एंड ये डबल लेयर में दे रखा है, फिटिंग भी काफ़ी अच्छी है, एंड ये इसका बैक से ऐसे लुक आ रहा है, लेंथ भी सही है, तो मतलब ये भी सही है, और इस प्राइस रेंज में तो अच्छा ही है काफ़ी। बाकी मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। अब ये स्टॉप के ऊपर तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, बट मैंने आप लोग को पहनने के लिए इसी पे डाल लिया, तो मेरी तरफ से स्कर्ट भी ओके है, मतलब 110% ओके, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब एक मिनट, मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सो आशा ये मेरा हॉल यहीं पे कंप्लीट होता है, एंड प्लीज़ मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिए, जिससे कि मैं इससे भी अच्छे अच्छे हॉल एंड वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूं। एंड प्लीज़ गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, एंड कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए, एंड आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, या कोई कौन सी नहीं अच्छी लगी वो भी आप बता सकते हो अपनी चॉइस। एंड प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा बट मेरा भला हो जाएगा, तो जिससे कि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे, मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूं। सो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।